बड़ी खबर की बात करते हैं। 14 सितंबर को रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। बीजेपी ने सभा में 1 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य भी रखा है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन के बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा भी संभाल रखा है और इस बीच प्रधानमंत्री खुद भी 14 सितंबर को आ रहे हैं। उनकी सभा होगी, ये खास सभा होगी। बीजेपी ने सभा में 1 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य भी रखा है और इसकी तैयारियां जो हैं युद्ध स्तर पर जारी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है और अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा छत्तीसगढ़ का बेहद ही खास माना जा रहा है। जशपुर से बड़ी खबर है। आज जशपुर आएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दौरे पर रहेंगे, साथ में बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बता दें विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, परिवर्तन यात्रा सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जशपुर से मंत्री मंडाविया रायगढ़ जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आज जशपुर और रायगढ़ दौरे पर रहेंगे अरुण साव। जशपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। रायगढ़ में भी कई कार्यक्रम और बैठक में शामिल होंगे। राजनांदगांव की बात करते हैं। आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। एक दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकल भवन में ये आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, खास तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर के की गई। एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर भवन में यह आयोजन रखा गया है। और ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। आज और कल पोस्टर लेकर जनजागरण अभियान चलाएंगे। जी हां, जनजागरण अभियान में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर षड्यंत्र रचने का कांग्रेस आरोप लगातार लगा रही है। आज और कल पोस्टर लेकर जनजागरण अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जाएगा। जनजागरण अभियान में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं उसे लेकर के कांग्रेस केंद्र सरकार पर षड्यंत्र करने के आरोप लगा रही है। बीजापुर की बात करते हैं। दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सली घटनाओं में शामिल थे। उसूर थाने में कई मामले दर्ज भी थे। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। बता दें सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि भी मिली है, शासन की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों की खोखली विचारधारा उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुपो पिता जोगा मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर और हड़मा नुपो पिता कोसा सीएनएम सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को आत्मसमर्पण। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। 2 सप्ताह में 50 रुपए सीमेंट महंगा हुआ है। दाम बढ़ने पर सीमेंट कंपनी प्रबंधकों का दावा है कि कंपनियां नहीं दे रही हैं महंगा सीमेंट। दाम बढ़ाने की वजह चुनावी चंदा को माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से देश में लगभग 20% सीमेंट की आपूर्ति होती है। सीमेंट महंगा होने से आमजन को मार पड़ेगी।
दाम बढ़ने की वजह से जो है अब कहीं ना कहीं सीधा ये नुकसान आम जनता को, आम लोगों को झेलना पड़ेगा जो अपना घर बनवा रहे हैं या बाकी कामों में इस्तेमाल जहाँ सीमेंट होता है वहाँ पर इसका असर साफ तौर से दिखाई देगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो हफ्ते में लगातार 50 रुपये सीमेंट महंगा हुआ है और इसको लेकर के अब सवाल भी उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ योग होने जा रहा है, आयोग आज होगा बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन होने जा रहा है। 1100 से अधिक योग साधकों द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा आयोजन का नाम। राजधानी रायपुर के जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन रखा गया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया जा रहा है, 1100 से अधिक योग साधकों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, यह आयोजन का नाम दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन होने जा रहा है, 1100 से अधिक योग साधकों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, आयोजन का नाम भी दर्ज होगा। राजधानी रायपुर के जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सेतु बंद आसन कर योग साधक रिकॉर्ड बनाएंगे। जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजन रखा गया है, सेतु बंद आसन करके योग साधक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ योग आयोग आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आज से है, संभाग स्तर पर होगा प्रतियोगिता, 20 सितंबर तक चलने वाली है। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी बनेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो वहीं राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से राज्य स्तरीय आयोजन होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 16 पारंपरिक खेल शामिल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है, संभाग स्तर पर प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी उत्कृष्ट खिलाड़ी बनेंगे। राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से राज्य स्तरीय आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 16 पारंपरिक खेल शामिल। कांकेर के नारा गांव में भालू की इंसानों के साथ दोस्ती करने की तस्वीर सामने आई है। भालू को ग्रामीण बिस्किट खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, चिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं और भालू पास आकर खा भी रहा है। भालू के बिस्किट खाने की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में जंगली भालू और इंसान की दोस्ती की जमकर चर्चाएं हो रही हैं। अरे मत सरका। पेंड्रा की बात करते हैं, लोहारी इलाके में 5 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। 15 दिनों से मरवाही के जंगल में हाथी का दल मौजूद है। बता दें आपको, 2 मकानों को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं, फसलों को रौंदा गया। वन अमला फिलहाल निगरानी रख रहा है।
हाथियों का दल डेरा डाले हुआ है। लोहारी इलाके में 5 हाथियों का यह दल है जो डेरा डाल रखा है। 15 दिनों से मरवाही के जंगल में हाथी का यह दल मौजूद है, जिससे ग्रामीण भी दहशत में है। 2 मकानों को नुकसान अब तक ये हाथी पहुंचा चुके हैं। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें फसलों को भी नुकसान हाथियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। चाकूबाज चढ़ा है पुलिस के हत्थे। भाटापारा शहर में चाकू लहराने का आरोप उस पर लगा है। इलाके के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। बलौदाबाजार की हम बात कर रहे हैं, जहां से चाकूबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ हथियार भी उससे बरामद किए गए हैं। चाकू लहराने का आरोप इस पर है। भाटापारा शहर में इसने चाकू लहराया था। इलाके के लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई देखने को मिली। और बलरामपुर की बात करते हैं। लाखों की चोरी मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। चोरी की रकम 1,34,000 रुपए जब्त की गई है। पोल्ट्री फार्म की जाली तोड़कर यह चोरी की गई थी। बसंतपुर पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई कर ली है। गिरफ्तार आरोपी को जेल भी भेज दिया। सूरजपुर से बड़ी खबर है। युवती से लाखों की साइबर ठगी हुई है। ऑनलाइन गेम के जरिए 16 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत की है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। विश्रामपुर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर की बात करते हैं।